वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द हरप्रीत सिंह शो। आज के सेगमेंट में सरी वुमेन सेंटर तो आए हुए साडे मेहमान रितु उगलानी और डोना बेलफोर नाल तुहाडी गलबात करांगे। सरी वुमेन सेंटर जो है सेक्सुअली असॉल्ट लेडीज़ जिहड़े हुंदियां ने ते नाल डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुंदियां ने उन्हां नूं सहायता प्रोवाइड करदे हन। एक ही संस्था के वालों किया जा रहा है ते जेकर रब ना करे तुसी भी कदी इसी स्थिति में फस जांदे हो तो किस तरह की हैल्प तुहानूं मिल सकती है। जयानू जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो रितु वील स्टार्ट विद यू, तुहाडे तों शुरू करदे हां कि सरी वुमेन सेंटर जिहड़ा है की है बेसिकली। जी असीं वीमेन नू सर्विसेज प्रोवाइड करदे आं, दोज़ हू हैव फेस्ड डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट, ते वी आर बेसिकली कनेक्टिंग दैम टू वेरियस रिसोर्सेज इन द कम्युनिटी। वी आर द फर्स्ट वंस टू रिस्पॉन्ड एंड आवर सर्विसेज आर टोटली कॉन्फिडेंशियल, एंड वी सी अराउंड 4,000 वीमेन इन अ ईयर। सरी इलाके चो ही हुंदियां ने? जी सरी इलाके चो हुंदियां ने। ते एक मिसकंसेप्शन मैं दूर करना चाहवांगी कि साउथ एशियन कम्युनिटी विच ज़्यादा वायलेंस है। मेनली वायलेंस जड़ी है वो विमेन दे अगेंस्ट है, चाहे कम्युनिटी कोई भी होए। साड़ी पॉपुलेशन विच 30% विमेन जड़े हैगे वो साउथ एशियन हैगे, जेड़ा कि डेमोग्राफिक दे नाल अलाइंड है, टोटल सारे दे पॉपुलेशन दे नाल अलाइंड है। ओके, व्हेन वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एंड विद व्हाट मोटिव? लाइक शी सेड, रितु टोल्ड अस दैट अराउंड 4000 विमेन आर यू नो कम टू यू फॉर असिस्टेंस एवरी ईयर। सो व्हाट वाज द आईडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट? We just celebrated our 20th anniversary in Surrey, and it started as a pretty grassroots organization at the very beginning. I'm not totally sure of the exact history, but it started in the community as a response to violence in the community and how we could help. So we have a court system that women find difficult to navigate, so we have a court team that helps them through the criminal justice system. Right. And our new SMART team helps women access medical services right away, 24 hours a day. So what is the SMART team? The SMART team is a response. We partnered with the Surrey Memorial Hospital, and we provide 24-hour services to women who've been victims of sexual assault or violence. Okay. So we accompany women to the hospital and help them access service there. Right. And then we also provide follow-up and any kind of referrals into the community that they may need. Okay, thanks, Dana. So Ritu ji, jaise aapne kaha ki 4000 auratein jo hain har saal aap unko assistance provide karte hain. So kis kisam ki assistance? Jaise for example kisi ke saath koi domestic violence ka koi case hai. Pehli baat to hai ki koi aake baat kare, yahi हम देखते हैं कि औरतें जो हैं ज़्यादातर उस चीज़ को दबा ही दे देती हैं, पर जिनको एक्सट्रीम हो जाता है, क्या वही औरतें आपके पास आती हैं या ओवरऑल जो आपके पास सिनेरियो है वो उसके बारे में बताइए। जैसे हर तरह से हर स्टेट में आते हैं, टिपिकली किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। हमारा काम जो होता है वो सबसे पहला काम होता है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना, कि वो वापस जाएं तो फिर वो उस अनसेफ एनवायरनमेंट में ना जाएं। तो उसके लिए हम ये थोड़ा सा उनके साथ सेफ्टी प्लानिंग करते हैं कि उनके लिए सेफ क्या है, कोई और रिलेटिव है या फिर कोई ट्रांजिशन हाउस है। फिर सब्सिक्वेंटली छोड़ना या रहना उनका डिसीजन होता है। सिर्फ साउथ एशियन ही नहीं, सब विमेन का ये टिपिकल होता है कि वो वापस जाते हैं, 6-7 बारी वो वापस जरूर जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो फिर जब हम हमेशा उनके लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि ये अब्यूज इसी तरीके से होती है, दे कीप गोइंग बैक टू द परपेट्रेटर। सो आवर जॉब इज टू प्रोवाइड देम अ सेफ प्लेस, टू हेल्प देम विद इनकम असिस्टेंस इन केस दे आर फाइनेंशियली चैलेंज्ड आफ्टर लीविंग द परपेट्रेटर, एंड लाइक डोना सेड कोर्ट सर्विसेज, इफ दे नीड हेल्प विद कोर्ट सर्विसेज वी डू दैट। सो क्या आपके पास कोई एक जगह है जहाँ पे आप इन औरतों को शेल्टर देते हैं और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह करते हैं? ट्रांजिशन हाउसेज ऑल ओवर द प्लेस हैं, हम खाली एक कॉन्ड्यूट की तरह हैं, हम उनको कनेक्ट करते हैं ट्रांजिशन हाउसेज से, और वहाँ पे जगह होनी चाहिए, ना हो तो उनके रिलेटिव्स में ही जो सेफ हो वहाँ पे, और फिर उनको उनके कोर्ट ऑर्डर्स की कॉपीज देते हैं जिससे कि उन्हें पता हो कि यू नो द पर्सन कैन नॉट अप्रोच देम अगेन। बेसिकली वी कीप इन टच विद देम, एंड वी ऑल्सो हैव काउंसलिंग सर्विसेज, stopping the violence counseling services. Through those services we provide them ongoing support.
Okay. Mm-hmm. So, Donna, what happens, let's talk a little bit about the kind of people who are coming to you. Are mm-hmm. they not educated mostly, and that is the major reason for those assaults and all kind of things, or domestic violence, or it's across the board, all kinds of women come to you? It's definitely across the board mm-hmm. from every demographic we see, every right. cultural background, every age group. We mm-hmm. serve women from the age of 13 well up into later adulthood. So iske karan kya hai Ritu ji, aap jab unse baat karte hain, major kya karan bahar aa rahe hain jiski wajah se ye unke sath unko domestic violence ka samna karna padta hai? Major karan yahi hai ki wo women hain. Sabse bada global issue ye hai कि वो विमेन हैं, उनके जो मेन की थिंकिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ के वो डोमिनेंट पर्सन हैं, वो मैन ऑफ द हाउस हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो वो थिंकिंग अंदर से चेंज होती नहीं है किसी भी सोसाइटी में. ये भारतीय कल्चर में नहीं है, सब कल्चर्स में ये चीज़ प्रेवलेंट है. ओके, तो जब आपके पास आपको कोई फ़ोन किया तो आप लोग आपके पास आ जाते हैं या आपकी कोई सर्विसेज हैं जो उनको लेके आती हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रोसेस क्या होता है. हु कैन कम ओवर हियर? एनीबडी कैन अप्रोच अस डायरेक्टली एंड वी हैव रेफरल्स फ्रॉम द पुलिस बेस्ड विक्टिम सर्विसेज, वी हैव रेफरल्स फ्रॉम वेरियस कम्युनिटी सोर्सेज एज वेल, बट इट कैन बी डायरेक्ट एज वेल थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड इफ समबडी इज बीन रिसेंटली असॉल्टेड, आई'd लाइक टू शेयर अ नंबर विद एवरीबडी. इफ यू नो समबडी हुज बीन असॉल्टेड, देन दिस नंबर 604-583-1295 is our direct helpline. And we are providing mostly help with the hospital accompaniment because the priority is medical care as soon as somebody is assaulted. Right. So later on it's their wish to go to police or you know further action, but medical care is priority. Right. So we provide 24-hour services around that. Theek hai ji. Donna, what kind of solace do these ladies find after they come over here and when they go back, like Ritu also mentioned that many a times those ladies are again going back to the perpetrator. Right. Idea is that again always a lady finds thinks that maybe by going back things will settle down and my family will not be you know shattered. So is that the major thing which makes them go back, or there are some other reasons also? There's many reasons that women go back. Mm-hmm. Often it's their children, or they actually still love the perpetrator. They're concerned about their financial situation. Mm-hmm. And one of the things that we can provide for them is ways in which to keep themselves safer when they do go back. We right. can do some planning with them that can help them, and also provide them with the numbers they may need right. if this kind of thing happens again. Okay. So Ritu, jab wapas bhi koi chale gaya hai, uske liye pehli baat to aap jab counseling karte hain, unko samjhate hain, lekin fir bhi uske bawajood kuch kitni der ke baad jo hai कोई औरत जो कोई रफ मैं बात कर रहा हूँ, अगेन जनरलाइज बात हम कर रहे हैं, स्पेसिफिक तो कर नहीं रहे, तो लेडीज़ वापस चली जाती हैं, और जब वो जाती हैं तो आप उनको क्या हिदायत देती हैं और क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? उनके लिए एक सेफ्टी प्लान उनकी सिचुएशन के हिसाब से बनाते हैं. ओके. कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपके साथ जब ये पहले हुआ तो आपने क्या किया, राइट राइट, और आपके आपके साथ चेक इन कौन कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आपकी कोई फ्रेंड भी कर सकते हैं, फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं. आप अगर फिर से अनसेफ फील करो तो आप 911 डायल कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे. तो हर एक का एक यूनिक होता है प्लान अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. वी रियली गो इन डेप्थ इन टू वॉट दे आर लिविंग विद. राइट. सो आखिर में आपकी क्या सजेशन होगी, आप अगर भगवान ना करे कोई ऐसा फेस करे, लेकिन अगर कोई उसमें ऐसे फेस कर रहा है, तो क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे आपने कही थी बात होती है, तो आपको फ़ोन करें तो क्या उनको हेल्प मिल सकती है? डेफिनेटली मिल सकती है, टोटली फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज. ठीक. एंड या तो आपको उनको आना चाहिए आगे और ये रिपोर्ट करना चाहिए. आना चाहिए, रिपोर्ट right. करना चाहिए. मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि स्मार्ट में हमको ज़्यादा साउथ एशियन रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि साउथ एशियन कम्युनिटी में सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो रही है जी. लेकिन वो ज़्यादातर एक रिलेशनशिप के अंदर हो रही है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये सेक्सुअल असॉल्ट है. राइट. सो वो दैट्स नॉट फोर्थ कमिंग फॉर अस. उसके लिए आप लोगों को कहते हैं कि अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट को फेस कर रहे हैं तो बाहर आके रिपोर्ट करें, स्मार्ट को रिपोर्ट कर सकते. बिल्कुल करें. right. बहुत धन्यवाद. टुवर्ड्स द एंड व्हाट डू यू फील, what would be your suggestion with your experience, what you have had working with the center, what would be your recommendation to those aggrieved ladies? Well, my recommendation would be for everyone to be able to get the word out that we have these services and we can help women before something serious happens to them. So education and understanding of what is available in the community is really key in helping a lot of women.
Thank you very much for your time. Pleasure having you, and hopefully what you are doing, it helps more and more women. First of all, they should not get entrapped into this, but in case if they have got entrapped into it, there are services available which they can take advantage of. Right. Thank you. Thank you. Thank you.